स्वीटी छाबरिया जी प्लीज। स्वीटी जी, स्वीटी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। स्वीटी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये जो हमारे हीरोइने हैं हमारे सामने खड़ी हैं और इनके साथ श्यामी हमेशा छुपी रहती है, श्यामी जी ये भोजपुरी जो प्रमोद यादव जी के साथ साथ इश्क करते नजर आएंगी, इश्क लगाते नजर आएंगी। इसी बात पे एक जोरदार तालियां हम लोग का हो जाए, जोश बढ़ जाए हमारा। हमारे निर्माता जी हैं रत्नेश जी, डायरेक्टर साहब राजू जी हैं, ओम प्रकाश जी के लिए ताली बजाइए। ये घर बहुत अच्छी अदाकारी की है इन्होंने और इनका योगदान भोजपुरी में जो रहा है इसके लिए हम सब आभारी भी हैं। इस बात पे एक जोरदार तालियां हो जाए। और इसके साथ मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैं भी हूँ, मेरा नाम दीपक सिंह है। शायद हमारे लिए बजा दो तो बहुत। तो ये है फिल्म का नाम, एक बार आप लोग जोर से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा प्लीज। हीरो इतने सारे बोल दी, माइक माइक एक साथ बोलेंगे, आप सब एक साथ बोलेंगे। आप जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो तालियां पड़ेंगे। ये राधे जी बोली तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हीरो ओढ़े जे हीरोइन लेके जाए। थैंक यू। एंड मैं सभी को कांग्रेस कहना चाहूंगी, रत्नेश जी आपको भी, डायरेक्टर सर आपको, एंड आप अभी आप डेब्यू करने जा रहे हैं हमारे साथ, तो हम इतनी हीरोइनें हैं तो आप एकदम कमर कस दीजिएगा। और सबको मुबारक हो एंड विश मी ऑल द बेस्ट फॉर इंडियन मदर। रानी जी क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? रियल इंडियन मदर मेरे दिल के बहुत ही करीब है फिल्म, क्योंकि इसमें मेरे तीन चार शेड्स हैं कैरेक्टर के और बहुत मेहनत की थी मैंने। एंड मुझे लगता है कि लगता नहीं कंफर्म कि इस तरह के शेड्स वाली फिल्म नहीं आई है भोजपुरी में ज़्यादा। लोग पसंद करेंगे, लोगों को बहुत दिन बाद एक मिट्टी से जुड़ी हुई कोई फिल्म देखने को मिलेगी। बस जितना ही रियल इंडियन मदर तो नाम से ही पता चलता है कि ये नारी प्रधान महिला प्रधान फिल्म होगी, तो बिल्कुल ये टाइटल जो है वो नारी प्रधान है, बट फिल्म में हर एक वो चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं। यंगस्टर्स की भी एक अपनी स्टोरी है, एक माँ की अपनी एक अलग कहानी है, एक बहन एक भाई की अपनी अलग कहानी, एक लव स्टोरी भी चल रही है फिल्म में, तो इसे मैं कमर्शियल फिल्म कहना ज़्यादा पसंद करूँगी। लोगों के लिए एक नई सोच और एक नया मैसेज लेकर आएगी ये फिल्म। जी, कलाकार को एक अच्छी फिल्म के लिए बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद डायलॉग्स, देन डायरेक्टर जो हो फिल्म के वो ऐसे डायरेक्टर हो जो एक्टर के अंदर की जो चीजें हैं उसे बाहर निकाल पाए। और मुझे लगता है कि अगर डायलॉग्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं किसी एक्टर को तो परफॉर्म करने में और मजा आता है। तो दो तीन चीजें तो बहुत ही ज्यादा काउंट करती हैं एक फिल्म के लिए। ऐसा लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, अक्सर होता है लोगों से मिस्टेक हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जननी हूँ, बट हाँ ये लक रहा है मेरा कि जिस फिल्म से मैंने डेब्यू किया था उस फिल्म के बाद ही भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बनना शुरू हुई, एक अलग मुकाम लिया उस फिल्म ने ससुरा बड़ा पैसा वाला ने, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं हमेशा सभी दर्शकों को, पूरी इंडस्ट्री को हमेशा इसके लिए थैंक्स कहती हूँ, जो कि बहुत छोटा शब्द है बट फिर भी बहुत
बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी, रियल इंडियन मदर की बात करें तो इसमें ट्विस्ट वर्सेस बूम को क्या कुछ? ये तो फिल्म देखने के बाद मालूम होगा। ट्विस्ट ये होगा ना, सबसे पहले लोगों को नया ये होगा कि मैं 3-4 कैरेक्टर्स में नजर आने वाली हूँ। मैंने खुद भी पहली बार इस तरह का कैरेक्टर पहली बार किया है, एक ओल्ड लेडी का किया है, यंग गर्ल का किया है, देन एक आर्मी की जो फौजी है उसका भी कैरेक्टर किया है। तो ये लोगों के लिए कुछ नया देखने को मिलेगा क्योंकि मैं ऐसे कभी रोल में नजर नहीं आई, तो ये चीज नहीं होगी। गाने बहुत अच्छे हैं इस फिल्म में। एक देश के ऊपर भी सॉन्ग है जो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, जो खेत खलियानों में मैं गा रही हूँ। तो कई चीजें जो हैं जो बहुत ही गैप के बाद लोगों को नजर आएंगी भोजपुरी फिल्म में, जैसे खेत खलियान हो गए, देश के ऊपर सॉन्ग हो गया, एक मिट्टी के ऊपर सॉन्ग हो गया। तो कई चीजें हैं जो लोगों को अच्छी लगेगी। जी, आर्मी की किरदार की अगर बात करें आपकी, तो उसके लिए आपने एक्शन तो मैंने सीखा हुआ है पहले से। प्रिपरेशन यही था कि आर्मी की जो जो फौजी होते हैं उनका एक एटीट्यूड होता है, वो लोग सर पे हमेशा कफन बांध के चलते हैं, तो उस एटीट्यूड को मैंने कैरी किया उस कैरेक्टर में। लेकिन जब वही लड़की अपने घर जाती है तो एक बहुत ही नटखट चुलबुली लड़की है, लेकिन जब वो यूनिफॉर्म पहन लेती है तो उसके सर पर भूत सवार हो जाता है और वो मौत से भी नहीं डरती है। तो दो तीन शेड उस कैरेक्टर में। थैंक यू सो मच। जी नहीं, पहले तो मैं सारे भोजपुरी दर्शक हैं जितने मेरे, सबको प्रियंका पंडित का नमस्कार। एक्चुअली ये द रियल इंडियन मदर है, उसका म्यूजिक लॉन्च है और हमारी एक यही रत्नेश यादव जी की नई फिल्म है जो हम लोग अक्टूबर में शूट करने वाले, उसका मुहूर्त है, जिसका नाम है हीरो उहे है जी हीरोइन लेके जाए सामने। जी, ये हमारी फिल्म का मुहूर्त है और इसके अंदर नए हीरो हैं जिनका नाम है प्रमोद लाल यादव, रानी जी हैं और मैं हूँ, और ये दोनों चीजें साथ में हो गए हैं, तो शायद इसलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। बट द इंडियन रियल मदर के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, और रानी जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म के अंदर, और मैं बहुत बेसब्री से इस फिल्म का वेट कर रही हूँ कि जब ये रिलीज हो तो मैं इसे देखूँ। आपकी आने वाली फिल्म? जी, अभी तो मैं ये फिल्म अक्टूबर में करूंगी और अभी मैं रिसेंटली 2-3 फिल्में और कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं सब टीवी का शो कर रही हूँ कृष्ण कन्हैया, अभी मैं कंटिन्यूसली उसके शूट में काफी बिजी हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। आज जितना भी भोजपुरी दर्शक जापानी सभी लोग प्रमोद प्रेम यादव के वजह से हार्दिक अभिनंदन, और ये पहला फिल्म हमारे बा जौन हीरो हुए जो हीरोइन लेके जाए, हमार रत्नेश यादव जी और हमारा अरुण भैया और मुना दुबे जी के सहयोग बहुत विशेष हमारा ऊपर रहा। चाहब के पहला हमारे फिल्म है, फिल्म में अपना का स्ट्रोंग करके मैंने कोई भी काम करियो फिल्म बढ़िया से बढ़िया हो के, और मैं जितना भी गाना भी बा 4-5 गाना हम गईले बानी, तो मैं वो गाना हम गईले बानी की एक लड़का एगो लड़की के छेड़ा था, हर किमी एस कोट पहन के घूमा तारी टाउन केस बराउन कई के हो, किमिनी एस कोट पहन के घूमा तारी टाउन केस बराउन कई के हो, केस बराउन कई के हो, पहिरे जींस कमर के डाउन केस बराउन कई के हो। ऐसा ढेर सा 4-5 हमारे गीत बजाने फिल्म हम गए बने ममता रावत जी, ऐसा फिल्म बा जो हमने के भोजपुरी में अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं जा, इस हमने के मन में विश्वास बा कि ऐसा हमने के पहलका फिल्म कही जाए जो अपने पूरा फैमिली के साथ बैठ के देख सकी जाए, सुन सकी जाए। इस फिल्म के कहानी के बारे में अगर बात करें, एक कहानी के बारे में प्रदा पावल जी तरह से देख सुन बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रोडक्शन के बारे में अभी फिल्म की कहानी तो मैं नहीं बता सकता, ये दो डायरेक्टर साहब या राइटर बताएंगे। रत्नेश जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जब मुझे बुलाया, और राजू जी जो उस फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर हैं उनके साथ एक फिल्म मैं प्लान कर रहा था, मैंने इससे पहले प्रोड्यूस भी की थी दो फिल्में, तो जब राजू जी का फ़ोन आया कि एक बार मिलना है, जब नरेशन हुई तो इतना बेहतरीन रोल उन्होंने मुझे ऑफर किया, इसके लिए मैं उन सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी मैं अभी तेलुगु फिल्में कर रहा हूँ, अभी भोजपुरी फिल्में वैसे मैं कर नहीं रहा, लेकिन क्योंकि ये बहुत हटके मुझे कुछ लगा,
तो इसलिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को काम अच्छा लगेगा। ये कलाकार को सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का चयन करना ये होता है कि जैसे सब्जेक्ट हो, डायरेक्टर हो? जी 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 देखिए जी, कलाकार की हर किसी की अपनी सोच है। मेरी सोच ये है जब तक मुझे यहाँ से नहीं लगता कि मुझे ये रोल करना चाहिए तब तक मैं वो फिल्म नहीं करता हूँ। पूरी स्क्रिप्ट में पहले सुनता हूँ, और क्योंकि कोई भी इंसान फिल्म बनाता है, ख़राब फिल्म बनाने के लिए कोई नहीं बनाता है, हर कोई अपने तरीके से अच्छी। अब डिपेंड ये करता है कि वो एज एन एक्टर मुझे कितना अपील कर रही है या मुझे अंदर से कितनी किक दे रही है कि राजन तुझे ये रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ ये है, मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा रोल, उसके बिना मैं फिल्म नहीं करता। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी अनगिनत फिल्में आपने शुरू कर दी है। क्या कहना चाहेंगे पहली फिल्म के बारे में, रियल इंडियन मदर के बारे में? क्या राइस फिल्म इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी हमारी पहली फिल्म रियल इंडियन मदर, जो अभी बन के रेडी है, संसार में गई है फिल्म और जस्ट ही आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का आज हमने ऑडियो लॉन्च किया है टी सीरीज के माध्यम से, और मैं ये चाहूँगा इस फिल्म के बारे में बताना कि ये फिल्म टोटल भारतीय जो समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, या भारतीय समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पति खोने के बाद बिखर जाती हैं। इस फिल्म में जो रानी का कह सकते हैं कि हीरोइन जो हमारी रानी है, इंडियन मदर का रोल किरदार निभाया रानी जी ने, तो ये मैसेज चाहता है कि एक विधवा महिला भी अपने बच्चों को अच्छा परवरिश करके इस समाज में उनको अच्छे मुकाम पे बैठा सकती है। और बहुत सारे गांव की समस्याओं का एक लेडी होके इस महिला ने सोल्यूशन निकाला और एक अच्छा मैसेज दिया कि महिला अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जी, एक प्रोड्यूसर होने के नाते फंड बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ता है, कितनी परेशानी आई आपको फंड इकट्ठा करने में? हमें कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि हम किसी फाइनेंसर से फंड नहीं लिए हैं। एक्चुअली हम पैसे से बिल्डर हैं और हमारे और भी बहुत सारे काम काज चलते हैं हमारी कंपनी के। वाटर प्यूरीफायर के क्षेत्र में हमारे इंडस्ट्री में फैक्ट्री है और आईटी क्षेत्र में हमारी कंपनी काम करती है। ऑलरेडी फंड से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था और हम ये भी फिल्म में किसी से फंड नहीं लिए हैं और फंड लेके हम फिल्म बना के कोई कहने का मतलब ये था कि भाई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है वो तो निकलना चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे प्रोड्यूसर होने के लिए, अच्छी फिल्म बनाने के लिए, समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना? सबसे बढ़िया सवाल आपने किया और मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। प्रोड्यूसर को पहली बात अपना बजट पहले दिन निर्धारित कर लेना चाहिए, मुझे कितने बजट में फिल्म को बनानी है, और वो सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन आपको महीने भर पहले निकाल लेना चाहिए। कहाँ शूट करना है, क्या लोकेशन है, क्या कॉस्ट्यूम है, क्या आपको आर्टिस्ट को देना है, आज डिमांड आपकी आर्टिस्ट से क्या किया है, कल ऑन शूट क्या डिमांड होती है। इस छोटी मोटी चीज़ों का हम लोग जब ध्यान नहीं देते तो बजट ओवर हो जाता है। जी, रानी सेठ जी और आपका केमिस्ट्री कैसा रहा इस फिल्म में? रानी बहुत अच्छी आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छी नेचर की महिला लेडी है, और उस लड़की ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा कॉपरेट किया और हम चाहेंगे कि आगे हम साथ में काम करेंगे। हमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम रानी के माध्यम से नहीं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजू जी, क्या कहना चाहिए मदर के बारे में, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए समाज में? रियल इंडियन मदर में मैं डायरेक्टर नहीं था, सॉरी, ये हीरो वो है जो हीरोइन लेके जाकर मैं